नमस्कार, आप है करियर यात्रा पर और आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वहाँ पे फ्रेशर्स को भी 50,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। सही सुना आपने, अगर आप बीई, बीटेक, एमएससी, एमएस हैं और भले ही आप फ्रेशर्स हैं तो भी आपको ये बेहतरीन मौका मिल सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो कोचिन शिपयार्ड में आई हुई है। कोचिन शिपयार्ड इंडिया की लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी है। जनरल नॉलेज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसे आप याद कर लीजिए। 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोची में इसे बनाया था जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। मधु एस नायर फिलहाल इसकी CMD है। जहां तक प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो टैंकर्स, बल्क कैरियर्स, प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स, पेट्रोल बोट्स और डाइविंग सपोर्ट वेसल्स जैसे प्रोडक्ट यहां पर बनाए जाते हैं। और कोचिन शिपयार्ड में शिप डिजाइन, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर जैसी प्रमुख सर्विसेज हैं। तो जनरल नॉलेज के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको किसी भी इंटरव्यू या किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। यही वजह है कि हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में हम आपको कुछ जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपको कहीं पे भी काम आ सकती है। बढ़ते हैं यहाँ पर यहाँ की रिक्रूटमेंट की तरफ। तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की ये पोस्ट है जिसके लिए बीई, बीटेक, एमएससी और एमएस की डिग्री मांगी गई है। अगर आपके पास इसमें से कोई भी डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि फ्रेशर्स के लिए खास तौर पे वैकेंसी है, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे जरूर से अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। भले ही ये पोस्ट फ्रेशर के लिए है लेकिन सैलरी की जहां तक बात की जाए तो ₹40,000 से लेके ₹1,40,000 तक यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। यानी कि सैलरी के लिहाज से बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो कि कोचि केरला में इसकी जॉब लोकेशन है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फीस भी रखी गई है जो जनरल के लिए ₹750 और बाकी सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए ये फीस फ्री है। तो भले ही फीस थोड़ी सी ज्यादा जरूर है लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं और यहाँ पे फिट बैठ सकते हैं तो आप यहाँ पे जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। 8 अप्रैल 2020 यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है और ऑनलाइन तरीके से ही यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इसके बारे में और डिटेल्स में। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो जो कोचिन शिपयार्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हैं उसमें जो प्रमुख बातें हैं मैं आपको वो ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर भी अगर हम माइन्यूट डिटेल्स की तरफ और बढ़ें तो जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें आपके पास 65 मार्क्स होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके पास डिग्री में 65 मार्क्स से ज्यादा है, 65% मार्क्स से ज्यादा है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट दी गई है इन पोस्ट के लिए वो 27 इयर्स है। लेकिन साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के अलग अलग नॉर्म है, रिलैक्सेबल जो अपर लिमिट्स है अलग अलग कास्ट के लिए, वो यहां पे जरूर एप्लीकेबल होने वाली है। जहां तक बात की जाए सैलरी की, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 40,000 रुपीज से 1,40,000 रुपीज तक आपकी सैलरी होगी। लेकिन जो स्टाइपेंड होगा स्टार्टिंग की 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए वो ₹50,000 होने वाला है। यानी कि सैलरी के लिहाज से बहुत अच्छी जॉब है। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की तो दो तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। जहाँ पे फेज वन में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसके लिए आपके 60 मार्क्स होंगे। अगर आप ये टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपको फेज टू के लिए बुलाया जाएगा जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल्स और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 100 मार्क्स होंगे। अगर आप ये दोनों आगे कर लेते हैं तो आपको लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसके लिए 20 मार्क्स रखे गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी जॉब के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको अगर रोज इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिल सके। इसके अलावा कल हमने संडे स्पेशल एपिसोड किया था जहां पर हमने 3,000 से ज्यादा वैकेंसीज को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको और किसी खास रिक्रूटमेंट के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप वो बता सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूले ताकि लगातार आपको डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलते रहें।